वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। आज है 25 मई, दिन है आज संडे, नहीं मंडे। आज ईद है तो आप सभी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला है, आज बहुत सारा अच्छा अच्छा रिप्लाई भी आया है। सभी लोगों ने जो है अपनी एकता का परिचय दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ने उस पर रिप्लाई दिया है, सब ने प्यार दिया है। कुछ एक या दो लोगों ने कमेंट किया है कि आपका कोई त्यौहार होता है तो ये लोग आपको विश करते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि त्यौहारों का इंतज़ार कोई नहीं करता है, सब एक दूसरे के दुख सुख में साथी हैं। और मुझे तो भर भर के प्यार मिलता है सभी लोगों की तरफ से, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई ईसाई हो। बिना किसी त्यौहार के मुझे रोज़ बोला जाता है, दीदी अपना ध्यान रखो, दीदी ऐसे कर लो, दीदी दीयू को ढेर सारा प्यार, सब कुछ। मैं तो फिर भी ईद पे आप लोगों को मुबारकबाद दे रही हूँ। आप लोग तो मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं डेली देते हो, तो प्लीज़ जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो इस सोच से बाहर निकलो। सभी लोग भाई बहन हैं, ये इंडिया है, इंडिया। आप पता नहीं कौन से देश की बात कर रहे हो, लेकिन ये इंडिया है और इंडिया में सभी लोग एक हैं। कोई भी जो है बाहर का नहीं है, कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत करो। और त्यौहार पे नहीं, मुझे हर दिन प्यार मिलता है, हर दिन मेरे लिए त्यौहार बना देते हैं सभी लोग, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती हूँ। और सभी से मैं प्यार करती हूँ, सभी से दिल से प्यार करती हूँ, जो मुझसे अच्छे से कनेक्ट हैं, जो मुझको मिसाल की तरह एक नज़र आते हैं, सभी मुझे प्यार देते हैं, तो इन चीज़ों को मैं नहीं मानती हूँ। और मिल्क शेक बना लिया है मैंने। मिल्क शेक बना के ना, काम करने से पहले मैंने मिल्क शेक बना के फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया होगा और अच्छी तरीके से। और अब जो है नहा चुकी हूँ मैं, पूजा कर ली है मैंने, अपना पाठ पाठ जो मैं पढ़ती हूँ डेली वो मैंने पढ़ लिया है। अभी दोनों उठ गए हैं, राखी भी और दिया भी। तो अब क्या करूँगी, अब मैं तैयार होंगी क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके। मैं मायके जा रही हूँ, यस, और पूरा दिन मैं वहीं रहूँगी। हो सका तो मैं कल आऊँगी, जैसा भी होगा आपको बता दूँगी। तो मैं मायके जा रही हूँ, मायके जाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। रोज़ वैसे मैं जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब प्रॉपर जाना होता है ना तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है। दीयू के एक्स्ट्रा कपड़े रखने होते हैं, खुद के भी रखने पड़ते हैं। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि गर्मी लग जाती है, नहाने का मन कर जाता है, तो एक दो जोड़े मेरे भी होने चाहिए। वैसे तो मैं अपनी मम्मी के भी पहन लेती हूँ, बहन के भी पहन लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लेके जाना चाहती हूँ। भिंडी 20 रुपये किलो मिल रही है, किसी को लेनी है बता दो मुझको, मैं ले लूँगी। तो चलो मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप लोग भी अपने थोड़े बहुत काम निपटा लो। मैं तो सुबह ही नहा चुकी थी, बट क्या है ना, दिया देर से सो के उठी, तो अभी जस्ट मैंने उसको दूध दिया था थोड़ी देर पहले ही, और नहला दिया है उसको, हेयर वॉश किए हैं दिया की। आजकल क्या हो रहा है, बच्चों के हेयर वॉश भी डेली हो रहे हैं क्योंकि चिपचिप वाली गर्मी हो रखी है, तो नहलाना हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये वाली फ़्रॉक पहना दी मैंने दिया को, कॉटन की, गर्मियों के हिसाब से ये वाले जो कॉटन की फ़्रॉक्स होती हैं हल्की फुल्की सी, ये बेस्ट होती है। और या फिर शॉर्ट्स पहनाओ या फिर इनर पहनाओ, यही चल रहा है आजकल। और थोड़ा सा वॉइस ओवर में आपको चेंज मिलेगा, डिस्टर्बेंस मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी के घर पर हूँ, टीवी चल रहा है, रोड साइड पे घर है, ट्रैफिक बहुत आवाज़ आती है, बच्चे हैं, चहल पहल है घर में बहुत ज़्यादा। हेलो कर दो, हेलो करो, मैं भी तैयार हूँ। नानी के घर जा रहे हैं आज हम, बैग लेकर आओ, बैग फोन पे रख दूंगी। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय। दिया को मैंने पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर दिया है, और उसका बैग भी जो है वो टांग दिया उसको। उस बैग में ना उसका थोड़ा बहुत जैसे हैंकी डाल देती हूँ मैं, उसका फ़ोन डाल देती हूँ, अपना भी पर्स उसके बैग में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग से लेके नहीं जाती। और उसकी एक जोड़ी कपड़ा आ जाता है हल्का फुल्का सा उस बैग में,
तो वही वाला बैग लेके जाती हूँ मैं, और अपने बालों को सुलझाने का काम कर रही हूँ। ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बालों को सुलझाने का काम बहुत मुश्किल लगता है मुझको। तो फाइनली बाल मेरे सुलझ चुके हैं और रेडी हूँ मैं। बाल मैंने बना लिए हैं और अब जो है मैं एक ही काम करती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, या फिर कभी घर में भी कुछ मेकअप वेकअप जो भी करना होता है तो मेकअप में जस्ट मैं काजल अप्लाई करती हूँ अपनी आईज़ पर। तो काजल मैंने लगा लिया है, और जब मैंने पूरा काजल लगा लिया तो राखी ने जो है फ्लैश ऑन कर दिया। चले क्या? हाँ चलो राखी से कह, राखी चलोगी? राखी कह रही मेरी ऐसी हालत नहीं हो रही कि मैं चलूंगी। राखी अभी नहाएगी, राखी को मेरा ये तो दिखा दो सूट। राखी ने कहा चाची अपना थोड़ा सा पूरा लुक दिखा दो, तो मैंने ये फ्रॉक वाली कुर्ती पहनी है। ये कुर्ती जो है 5-6 साल पुरानी है, नई नहीं है। इसके साथ की जो लेगी थी वो ख़राब हो चुकी है, तो मैंने ब्लैक लेगी जो है वो पहन रखी है। दुपट्टा इसके साथ करनी है, दुपट्टे के साथ का सूट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मैंने दे दिया है किसी को, तो दुपट्टा जो है अब इसके साथ का हो गया है। तो बाय बाय कर रही हूँ मैं, चलो चलते हैं। तैयार हो चुकी हूँ मैं, और वाईफाई वगैरह सब बंद कर दूँगी, लाइटें भी बंद करूँगी जो भी फालतू जल रही है। मंदिर में अभी जोत जल रही है, बट लाइट बंद करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी छोटी वाली लाइट जला देती हूँ, एक लाइट बहुत है। मैं चप्पल, चलो यार यही पहन लेती हूँ। ताला लगा दी राखी यार गेट में भी। लगा दियो, बाइक खड़ी हुई है ना। थैंक यू। कपड़े वपड़े डालने होते हैं ना, तो उसकी चाबी ले लियो। चलो तो बाहर आओ। जैसे कि आप सबको पता है मेरे पास मेरी स्कूटी नहीं है, स्कूटी जो है मेरे भाई के पास है, उसकी बाइक जो है मेरे घर में खड़ी हुई है। तो हम जा रहे हैं पैदल। मैं फ़ोन कर देती हूँ उसको, मेरे भाई को, कि मुझे लेने आ जा, बट मैंने किया नहीं। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा पैदल चलते हैं, कभी कभी अच्छा लगता है ना पैदल चलना भी। तो पैदल चलते हैं, पूरी तैयारी के साथ घर से निकले हैं, मास्क लगा रखा है दोनों माँ बेटियों ने। तो पैदल चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नाश्ते में है लाल मसूर की दाल, सूखी अरबी की सब्ज़ी और साथ में गरम गरम पराठे। तो आप लोग भी जो है नाश्ता कर लीजिए। मेरी मौसी आई हुई है दिल्ली से पापा को देखने के लिए। मौसी, मौसा जी, अन्नू भाई, मेरी मौसी के बेटे, तो तीनों आए हैं वो अपनी गाड़ी से ही, और पास बनवा के आए थे तो पापा को देखने, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से उनके पास गाड़ी नहीं थी तो वो नहीं आ पा रहे थे देखने के लिए। कल परसों उन्होंने गाड़ी बाय की है न्यू, तो तुरंत आ गए, उनका दिल नहीं मान रहा था। तो मैं थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ उन लोगों की, आप लोगों को। हेलो, तो मैं इस टाइम अपने गार्डन में बैठी हुई हूँ, बाहर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मेरे घर में कोई नहीं रो रहा, बाहर रो रहा कोई बच्चा। तो गार्डन में आई थी, थोड़ा सा फूल वूल पत्ती वत्ती देख रही थी कैसी हो गई है कैसी नहीं, क्योंकि मैं शाम को आती हूँ ना तो थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है, तो मैं गार्डन में काफ़ी टाइम से आ नहीं पा रही। अभी आई हूँ तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पीछे देख के आती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रखी है, देखो बहुत तेज़ धूप है। मैं थोड़ा छाया में हूँ, पेड़ों की छाया में। मैंने कहा आप लोगों से बात करती हूँ, वीडियो को एंड कर देती हूँ। आज ईद है, गर्मी भी बहुत है, लेकिन ना हर बार क्या होता है बहुत चहल पहल होती है, गर्मी हो चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग अपने घरों में सीधे साधे तरीके से ईद मना रहे हैं, और होप जो सर्दियों में ईद आती है वो इस तरीके की ना हो, जितने भी त्यौहार होते हैं हमारे भी वो भी इस तरीके के ना हो, बहुत अच्छे से हो सब कुछ। और मेरी मौसी आई थी पापा को देखने, दिल्ली से आई थी, दिल्ली उत्तम नगर से, तो अभी अभी चली गई हैं। मैंने थोड़ी सी जो है
थोड़ी सी क्लिप जो है वो ऐड करी है, बहुत छोटी सी क्लिप ऐड की है, पूरी तरीके से मैं शूट नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों कंफर्टेबल फील नहीं होती हूँ। मेरे भाई का चैनल है यूट्यूब का, यूट्यूब पे ही चैनल है मेरे भाई का भी, मौसी के बेटे का, तो हम दोनों साथ में वीडियो भी बनाने वाले थे, बट क्या है ना माहौल टाइम कुछ इस तरीके का था नहीं कि कंटिन्यू करते वीडियो या फिर वीडियो बनाते शुरू भी करते, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। नेक्स्ट टाइम देखेंगे जैसा भी होगा वैसा करेंगे, वीडियो बनाएंगे अच्छी सी बढ़िया वाली। और मेरे भाई का चैनल मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों के संग अपने भाई का चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। वीडियो बनाते तभी सरप्राइज़ देते हम, अदरवाइज़ कभी मैंने उसका नाम भी नहीं लिया अपने चैनल पर कभी। हाँ एक बार कम्युनिटी में शेयर की थी लेकिन बताया नहीं था कि ये मेरे भाई का चैनल है, और आप लोग मुझे पता है बहुत सारा प्यार देते हैं उसके चैनल को भी। तो अंदर चलती हूँ मैं, धूप हो रही है और देखते हैं क्या बनेगा खाने में, दोपहर के खाने में वो तो नाश्ता था सुबह का, सुबह के नाश्ते में मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या बना है क्या क्या नहीं। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल का बटन प्रेस कर देना, ऑल पर क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल सके। शेड के नीचे आ गई हूँ तो अजीब अजीब सा मुँह हो गया।